दोस्तों, मैं हूं विक्रम सरकार। मैच अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं डिजिटेक आरजीबी लाइट। तो गाइस, हर सिनेमेटोग्राफर के पास ना ये लाइट होना ही चाहिए, क्योंकि ये लो बजट के अंदर आता है, बहुत ही बढ़िया है। अगर आप ऐसा कुछ सिनेमेटिक वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस लाइट के मदद से बना सकते हैं। चलिए पहले इसे अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसके मदद से आप ऐसे वीडियो बनाएंगे। तो गाइस, चलिए इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं। बॉक्स खोलते ही आपको एक बैग दिखता है जो कि है डिजिटेक की तरफ से। देखिए कितना अच्छा क्वालिटी का बैग दिया गया है डिजिटेक से। मैं इसे खोलता हूँ और देखता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। तो गाइस, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक यूएसबी टाइप सी वाला। ये लाइट्स देखने में काफी छोटा है, लेकिन इसका काम जो है वो बहुत ही धमाकेदार है और ये पोर्टेबल है, आप पॉकेट में कहीं पर लेके जा सकते हैं। देखिए, इस पे आपको देखने को मिलेगा पीछे एक एलईडी डिस्प्ले है, ये एलईडी डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही छोटा सा इतना सा डिस्प्ले है। यहाँ पे सब कुछ आपको दिखाई देगा, बैटरी कितना है आपका, यहाँ पे जो कैलविन है वो कितना आपने सेट कर रखा है, जो सारा ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और ऊपर आप देख सकते हैं एक स्विच है जिसको हम अप डाउन करके इसे ऑन कर सकते हैं। तो इसे आप कर देते हैं, देखिए आप करते ही ये ऑन हो चुका है। और साइड में एक मोड वाला बटन है जिससे हम मोड को चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी जो है ये नॉर्मल मोड में है, टंग बहुत ही बढ़िया है। तो देखिए अभी ये जो इसका मोड है ना, बहुत सारा, इतना सारा मोड है, मुझे याद भी नहीं है कितना सारा मोड है। फ्लेम मोड है, आप चाहे तो इसे कैंडल की तरह रख सकते हैं। कैंडल में जो होता है इसे जलेगा निभेगा, थोड़ा थोड़ा होगा, कैंडल का जो इफेक्ट होता है वो इफेक्ट में भी रख सकते हैं। देखिए कैसे ये सब आपको करना है, यहाँ पे ये मोड बटन जो है इसे आपको दबाना है ऐसे टक करके। तो देखिए अभी जो है ये स्टैंड बाय मोड में है। अभी यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एज ह्यू बोल के, इसे आपको आगे पीछे कर देना तो इसका कलर जो वो चेंज होता रहेगा। ह्यू को हम चेंज करते रहेंगे तो इसका कलर चेंज होता रहेगा, देख सकते हैं बहुत ही मस्त है। वीडियो बनाने में ना बहुत ही मज़ा आता है इसके साथ, क्योंकि कलरिंग अगर रहता है, थोड़ा थोड़ा कलर इफेक्ट रहता है वीडियो में, लाइट्स पे थोड़ा चेंज हो रहा है कलरिंग, तो बहुत ही मज़ा आता है। और इसे आप ऐसे मोड चेंज करके दूसरा मोड में लेके जा सकते हैं। मैं बहुत सारा मोड है इसमें, उतना सारा नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा सा कुछ दिखाऊंगा, थोड़ा सा ही मैं दिखाऊंगा। तो इसमें से आपको कुछ मोड्स मैं दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। देखिए ये है फायरवर्क्स वाला मोड, ये है रोमांटिक मोड, क्लब मोड, ठीक है, ये क्लब में यूज होता है। और ये तो आपको पता ही है पुलिस वाला इफेक्ट है, ऐसे ही आप पुलिस बन के चले जा सकते हैं कहीं पे भी। तो गाइस, ये सिनेमेटोग्राफी में बहुत यूज होता है, बहुत। आप अगर कहीं पे ऐसे शूट कर रहे हैं, पुलिस का थोड़ा इफेक्ट चाहिए कि पुलिस का कार आया है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं उसमें। अभी इस मोड को मैं चेंज करने वाला हूँ, ये हो गया नॉर्मल मोड। तो गाइस ऐसी है, तो इससे हम एक वीडियो बनाएंगे, सिनेमेटिक वीडियो, जिससे हम दिखाएंगे कि इस लाइट का इफेक्ट कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं। वीडियो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए।